राजधानी जयपुर के बनी पार्क स्थित यूथ कांग्रेस कार्यालय में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इसमें गणेश घोगरा को पदभार ग्रहण करवाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणेश घोगरा को शुभकामनाएं देते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि अशोक चांदना के बाद ये एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करते रहना चाहिए, साथ ही सभी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर इसके प्रति अपनी आवाज उठाएं और बुलंद करें। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी कबड्डी शुरू हो रही है, इसे मुझे जाना पड़ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो जो जहाँ है वर्किंग कमेटी मेंबर्स, मुख्यमंत्री जन, उनके साथ में कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी की वर्किंग कमेटी कार्य होने जा रही है। परंतु मुझे खुशी है कि जो माहौल में देख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे लगता है कि एक नई जान यूथ कांग्रेस में आ गई है। अशोक चांदना जी के बाद में आप लोगों ने नई शुरुआत करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन के आया था जब मैं 34 साल का था, इसी ऑफिस पर आया था, यही पर आया था, यहाँ बैठे आप सोच सकते हो कि यूथ कांग्रेस की शुरुआत गणेश घोगरा जी से, नए अध्यक्ष बने हैं गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के इनको जिम्मेवारी दी है, ये सबको साथ लेके चलेंगे। पुराने नए जो भी यूथ कांग्रेस आती है और जो सीनियर लोग हैं जो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके अनुभवों का लाभ लेंगे और मैं चाहूंगा पूरे प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस, एनएसआई, सेवादल, महिला कांग्रेस, ये तमाम जो विंग है कांग्रेस की, ये मजबूती के साथ आगे आए।